अब आप समझ लीजिए यूएपीए क्या है, ये पोटा का भी बाप। ये यूएपीए का कानून कांग्रेस लेके आई थी, और आप पार्लियामेंट की मेरी तकरीर निकाल के देख लें, मैंने उस वक्त कहा था कि आज से मैं कांग्रेस पे लानत भेजता हूँ जिसने यूएपीए लाया। अब मैं कहता यह हूँ कि ये कानून उस वक्त तक रुके जब तक कि ये सरकार अपोजिशन में ना जाए और इसके ऊपर ये कानून लागू किया जाए। एक ऐसा शख्स जो खुद मर्डर में इन्वॉल्व हो वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और चीफ मिनिस्टर अपने ही कलम से अपने ही जुर्म को ख़त्म कर दे, तो उस मुल्क का क्या होने वाला है। अब आप समझ लीजिए यूएपीए क्या है, ये पोटा का भी बाप है। पोटा में तो ये था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल करार देते हैं तो उसके लोग जो हैं वो मुजरिम हो जाएंगे, उसके मेंबर आ। यूएपीए में आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, 5 लोग हैं या एक से ज़्यादा, अगर 2 आदमी भी हैं, अगर हम और आप बैठ के चाय पी रहे हैं कहीं, रोज़ पीते हैं, और अगर आप मुजरिम करार पाए तो आप भी मुजरिम हैं। ये यूएपीए का कानून कांग्रेस लेके आई थी, और आप पार्लियामेंट की मेरी तकरीर निकाल के देख लें, मैंने उस वक्त कहा था कि आज से मैं कांग्रेस पे लानत भेजता हूँ जिसने यूएपीए लाया। और ये यूएपीए जब आया है उसका दुरुपयोग ये सरकार जिस अंदाज से कर रही है, इसने तो इंतहा कर दी। ये तो ऐसा समझते हैं कि जो शख्स मिले उसको यूएपीए में बंद कर दो, और यूएपीए का मालूम है कि इन्हें कुछ देना नहीं है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो खुद ये कहेगा कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। आप खुद साबित कीजिए कि आप मुजरिम नहीं हैं, पुलिस करिए आप मुजरिम हैं, आप साबित कीजिए नहीं है। ये कहने में 10 साल 15 साल उसकी ज़िंदगी ख़त्म। जज जब मौसूफ़ के पास वक्त आया 15-20 साल के बाद, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसमें केस में कुछ नहीं है। ये तमाशा हो रहा है इस समाज में, लेकिन क्या कहा जाए जब मुल्क मज़हब के नाम पे इलेक्शन लड़ने लगे और जब मुल्क दूसरों से नफरत के नाम पे इलेक्शन लड़ने लगे, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, कहीं ना कहीं इस तरह के जो कानून लाए, चाहे ईडी हो या और सारी चीज़ें जो है वो कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हैं। ये लाई जा रही है, यही बात मैंने उस वक्त जब ये यूएपीए लाया गया था, उस वक्त होम मिनिस्टर हमारे थे शिंदे साहब, वो माकूल आदमी थे, मेरी उनसे बहुत बहस भी हुई। लेकिन उस वक्त हुकूमत कर रहे थे चिदंबरम साहब, ये कानून चिदंबरम साहब लाए थे, हालांकि वो होम मिनिस्टर नहीं रहे थे, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए थे और वो ज़बरदस्ती लाए। 4 दिन तक हम लोग राज्यसभा में इसको डिले कराते रहे। यूएपीए का कानून मालूम है आपको कैसे पास हुआ? फ्राइडे के दिन बिल नहीं पास होता, फ्राइडे के दिन प्राइवेट बिल आता है जुमे के बाद, लंच के बाद। वो लंच कैंसिल किया गया, कुल 32 लोग थे जब ये बिल पेश हुआ। उस वक्त हम और ये सीताराम येचुरी और अपोजिशन के लोग, हम लोगों ने गिना तो हम लोग 17 लोग थे। हमने कहा बिल पास नहीं होने देंगे, तो इन्होंने क्या किया कि टेलीफोन पर फ़ोन कर के, यही कमलनाथ, ये लीडर ऑफ द हाउस था, इसने जब काउंटिंग का वक्त आया तो आदमी कांग्रेस के बढ़ गए थे और ये बिल पास हो गया। और उसकी सज़ा कांग्रेसियों को ही मिल रही है, क्योंकि ये समझ रहे थे कि हम हमेशा के लिए आ गए हैं। जमहूरियत में कोई हमेशा के लिए नहीं आता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे कानून कायम रहें, इसलिए कि जब ये सरकार जाए तो ये कानून उस पर लगाए जाएँ और उनके बच्चों को पता लगे और उनके घर वालों को पता लगे कि जेलों में रहने से जिंदगियां कैसे बर्बाद होती हैं। इसका सबक इन्हीं कानूनों से। अब मैं कहता यह हूं कि कानून उस वक्त तक रुके जब तक कि ये सरकार अपोजिशन में ना जाए और इसके ऊपर ये कानून लागू किए जाए। दोनों की सोच एक है, संघीय सोच है, तो क्या मुमकिन है कि अगर सरकार जाती है तो कांग्रेस इन लोगों पर लगाएगी इस तरह के? मैं जानता हूँ कि सियासी पार्टियां जो हैं उनको अपने इलेक्शन जीतने के अलावा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, मैं समझता हूं कि आज रोशनी की किरण दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर ये सिलसिला जो
शाहीन बाग से शुरू हुआ था, एक बहुत बड़े पैमाने पर अब सरदारों के और किसानों के और मजदूरों के और गरीबों की जो इस वक्त जो एक माहौल बना है उसने एक करण दिखाई है, रोशनी की। आप देखिए इन बॉर्डर्स पे जाके देखिए, अब हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, अब बात हो रही है भाईचारे की। आप देखिए कि एक एक सरदार और खालसा सरदार वो बैठा है और बगल में जाट बैठ के उसके साथ हुक्का पी रहा है और दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये पॉजिटिव साइन है, आवाम यहाँ की वो समझ चुकी है कि हमारे साथ जो जुल्म किया गया, और मैंने देखा मुजफ्फरनगर के वाकयात में भी यही हुआ है कि वहाँ जाट और मुसलमानों के जो हुआ था, तो ये हवा बदलेगी। सियासी पार्टियों को खुद फैसला करना है कि क्या वो अभी भी उसी रविश पे रहेंगे या वो उस विचार पे आएंगे जिस पे उनकी विचारधारा थी। जिस तरह से आपने ये बात कही कि किसान आंदोलन एक रोशनी है और हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद हो रहे हैं, 2022 उत्तर प्रदेश में करीब है और अभी जिस तरह से 5 राज्यों में इलेक्शन भी चल रहे हैं और देखने में ये आ रहा है कि हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का पूरी तरह से बायकॉट किया जा रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि 2022 में जब इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश में तो ये जाटों की नाराज़गी कायम रहेगी या फिर हिंदू मुस्लिम में बांटने में जैसे बीजेपी वोट के वक्त करती है, इलेक्शन के वक्त करती है, उसमें कामयाब हो जाएगी? देखिए, ये जो 5 असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं इससे बहुत अंदाज़ा होगा, इसलिए कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो है वहाँ तो आरएसएस ने और बीजेपी ने और हमारे जो राहुल गांधी ने जुमला कहा था, मैं समझता हूँ वो पूरा एक वो जुमला ही काफ़ी है, हम दो हमारे दो, वो जो जुमला राहुल गांधी ने कहा है उस पर सब कुछ बयान कर दिया है। इन लोगों ने जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहाँ तो तबाही मचा दी थी। अब जहाँ इलेक्शन हो रहा है बंगाल में, वो कल्चर्ड लोग हैं, वो लोग टैगोर की ज़मीन है, वहाँ नफ़रतें नहीं हैं, और साउथ में वहाँ नफ़रतें नहीं हैं। अगर ये वहाँ डेंट नहीं लगा पाए 5 स्टेट में जैसा लग रहा है, और ये मज़हब का दुरुपयोग जो करते हैं, ये एक्सप्लॉयटेशन अगर नहीं कर पाए, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, इसलिए कि कल मैं सुन रहा था एक बीजेपी का लीडर ये कह रहा था कि ममता बनर्जी तो नमाज में जाती है, ममता बनर्जी तो चर्च में जाती है, यानी आप अंदाज़ा करिए कि ज़हनियत किस हद तक नीचे चली गई है। अरे ऐसे लोगों के तो मुंह पे जन्नाटेदार एक हाथ मारना चाहिए कि कोई इंसान किसी मज़हब की अगर इज्जत करता है, दूसरे मज़हब का ख्याल करता है तो वो गुनाह करता है। ये वहाँ पहुँचा, अगर नहीं पहुँचा पाए तो आप यकीन कीजिए कि उत्तर प्रदेश में यकीनी तौर पर इंकलाब आएगा, इसलिए कि इंकलाब आना भी चाहिए। जब एक ऐसा शख्स जो खुद मर्डर में इन्वॉल्व हो वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और चीफ मिनिस्टर अपने ही कलम से अपने ही जुल्म को ख़त्म कर दे, तो उस मुल्क का क्या होने वाला है? अब भी अगर ये जीत जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर इस मुल्क में कुछ बचेगा नहीं, फिर आप इसको किसी दिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया कहेंगे, इंडिया कहने की हैसियत नहीं रहेगी हमारी। शुक्रिया थे मोहम्मद अदीब साहब, जो ख़ास तौर से हमसे बात कर रहे थे आतंकवाद के मामले को लेकर, UAPA का जिस तरह से इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है और बच्चों की ज़मानतें नहीं हो रही, जो लोग एक एक साल से सलाखों के पीछे हैं, ख़ासतौर से CANRC का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जितने भी कार्यकर्ता थे, जो लीडर थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और एक साल से ज़्यादा से वो सलाखों के पीछे हैं। गुड़गांव से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़मैक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।